जो कल तो बेसिक पढ़ी थी, एक बार मैं इसको बता देता हूँ, इसके आगे चलते अपन। एक टाइप तो ये था कल कि जब मैंने आपको ही बोला था कि कोई सी भी अक्षर का क्रम आपसे आगे से पूछ ले या बाएं से पूछ ले, तो आपको पूरे क्रम याद है तो क्वेश्चन वो वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी अक्षर का क्रम, आवाज चालू है ना, देखो आपसे किसी भी अक्षर का क्रम बाएं छोर से पूछ लिया जाए या आगे वाले छोर से पूछ लिया जाए, तो अपन ने पूरे क्रम याद करे थे तो वो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मुझे बोले कि बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, टी। बाएं से ना बोलते हुए वो ये बोल दे कि आगे से 20वां अक्षर कौन सा होगा, बात एक ही है। मैंने आपको ये बोला था कि ये जो है आपका, ये जो बायां छोर है यही बायां छोर जो है आपका आगे वाला छोर है, और ये जो दायां छोर है यही आपका पीछे वाला छोर है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे बाएं से पूछ ले या आगे से पूछ ले, बात एक ही है। और दूसरा मैंने ये बोला था आपको, कभी भी कोई दाएं छोर से पूछ ले या पीछे वाले छोर से, बात एक ही है। दाएं छोर से बस आपको ये करना है कि हमने पूरे क्रम जो एबीसीडी के वो आगे से याद करें, बाएं से याद करें। सपोज कोई भी अक्षर यदि वो आपसे पीछे से पूछ लेता है, पीछे से सपोज मेरे को बोले कि चलते हुए दाएं छोर से 11वां अक्षर कौन सा होगा, अब मुझे जेड से चलते हुए पूरी एबीसीडी याद नहीं है कि 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो कभी भी जेड वाले छोर से या जेड वाले एंड से आपको कोई सा अक्षर निकालना है तो आपको 27 से माइनस करके आंसर देना है उसको। तो जैसे ही मैं 27 से माइनस करूंगा कितना 11 कितना आएगा 16, तो ये जो आपका दाएं से चलते हुए 11वां अक्षर है यही बाएं से चलते हुए कौन सा अक्षर होगा, 16वां, और बाएं से 16वां अक्षर क्या था, पी। ये दो टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो बायां छोर है वही आगे वाला छोर है, और जो दायां छोर है वही पीछे वाला छोर है। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन कैसा है। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन के अंदर उसने बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा। इसका पूरा तरीका क्या है, देखो ये आपके सामने एबीसीडी, आप सबसे पहले बाएं से 15वें अक्षर की तरफ जाते हैं, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है, ओ। अब इस अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर आपको उत्तर देना है। किसी भी अक्षर का बायां दायां नहीं होता, आपका बायां दायां ही उसका बायां दायां होगा, तो यहां से आपका बायां किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो ऐसी स्थिति में इस अक्षर के बाएं के 8वें की तरफ जाना है आपको, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आंसर क्या आया जी। लेकिन ये बड़ा तरीका है, इसके लिए आपको पूरी एबीसीडी लिखनी पड़ेगी, लेफ्ट से पहले 15 पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाएं से 8 पे जाना पड़ेगा। कभी भी दोनों बाएं बाएं दे, लेफ्ट लेफ्ट दे, दोनों को आपस में माइनस कर दो, दोनों को आपस में घटा दो, 15 - 8 कितना होगा, 7। तो बाएं से 7वां अक्षर जो होगा वो आपका उत्तर होगा। बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है जी, ये हो गया क्वेश्चन का जवाब। मुझे एक एक करके करने की आवश्यकता नहीं है। सपोज मुझे बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं का 13वां अक्षर कौन सा होगा, अगर मैं इसको एक एक करके करूं तो सबसे पहली चीज तो ये देखो क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में एबीसीडी लिखी हुई नहीं आती। अब क्वेश्चन में एबीसीडी लिखी हुई नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा लिख के करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट से 21वां अक्षर है यू, उसके बाएं का 13वां अक्षर आपको निकालना पड़ेगा। बट आपको ऐसे नहीं करना, जब दोनों बाएं बाएं देके रखे, दोनों लेफ्ट लेफ्ट देके रखे, तो दोनों को आपस में घटा दो, 21 - 13 कितना होगा, 8। 8वें स्थान पे क्या था, एच। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म। और यही बाएं ना बोलते हुए आगे से बोल दे, आगे से, तो बात एक ही है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो, इसकी दोनों फ्रेमिंग में आपको बता रहा हूं कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे वो ये बोले कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर, ये ना बोलते हुए वो बोले आगे से 15वें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर, तो आगे वाला छोर जो भी देगा उसको काय पे करने आपको, बाएं छोर पे। कल कितने बच्चे नहीं थे जिनका पहला लेक्चर है, देखो बेटा कल का मैं बस इतना बता दूं कि कल जो मेनली हमने पढ़ा था वो उसके क्रम याद करे थे एबीसीडी के। अभी बस आप इतना कर सकते हो कि ए से लेके जेड तक की एबीसीडी अपने तो लिख लो, उसके सामने नंबर लिख दो कौन सा किस स्थान पे होता है, ए पहले स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, इसको लिख दो बस। शुरू का आधा घंटा तो इसी में लिया था कि वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एबीसीडी का क्रम बार बार इस्तेमाल होगा, तो शुरू का आधा घंटा तो इसीलिए लिया था कि वो क्रम अच्छे से याद हो जाए। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर ही आएंगे, तो आप बस एबीसीडी अपने साइड में लिख के उसके ऊपर क्रम लिख दो, ठीक है, जो कल नहीं थे, बाकी सबको तो याद हो गया होगा, ठीक। अब इसका एक और क्वेश्चन देखो,
ये बाया बाया तो हो गया, अब सपोज दाएं से बोल दे, बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं का पांचवा या सातवां अक्षर कौन सा होगा। इसको देखो किस तरीके से करोगे आप, सबसे पहली चीज आप करोगे क्या, जे ऑप्शन में जरूर देगा, सबसे ऊपर ऊपर देगा। जब मैं इसको पूरे तरीके से करूंगा तो दायां छोर ये, दाएं से मैं 17वें अक्षर की तरफ जाऊं तो ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, 16, 17, 17वां अक्षर कौन सा हुआ, जे। अब इस अक्षर के दाएं का सातवां अक्षर बोला है, किसी भी अक्षर का हाथ पांव नहीं होता, तो इसका दाया मतलब आपका दाया, तो इसके दाएं से सातवां अक्षर मतलब ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी जे था, सॉरी जे 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 17वां अक्षर ये था, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या है क्यू। लेकिन देखो ये बड़ा तरीका है, आपको क्या करना है, जब भी बायां बायां आए तो भी माइनस करना है, जब भी दायां दायां आए राइट राइट आए तो भी माइनस करना है। जैसे मुझे 17 माइनस मैंने 7 किया कितना आया 10, लेकिन ये जो 10 आया है दाएं छोर से आया है, ये राइट हैंड से आया है, क्योंकि दोनों दाएं देके रखे थे, तो ऐसी स्थिति में मैंने दोनों को जैसे ही माइनस करा तो मेरे पास दाएं से 10वां आया है। दाएं से मतलब जेड से चलते हुए, क्या जेड से चलते हुए 10वां अक्षर आपको पता है, नहीं, कल ही बताया था किससे माइनस करना है 27 से, तो जैसे ही मैं 27 से 10 को माइनस करूंगा कितना आएगा 17, और 17वें स्थान पे क्या होता है क्यू। तो मैं फिर से दोनों को रिपीट करता हूं, देखो कभी भी दोनों अक्षर सेम है, बाएं बाएं या दाएं दाएं, दोनों को माइनस करना है पहले, तो जब बाएं बाएं दे दे या दाएं दाएं दे दे, दोनों को माइनस करना है। जब भी दोनों बाएं बाएं देगा, जब भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट देगा, दोनों को घटाने पर जो आता है उस स्थान पर जो अक्षर होगा वो आपका उत्तर है। जैसे मैं बोलूं कि बाएं से 21वें अक्षर के बाएं का 17वां अक्षर कौन सा होगा, 21 माइनस 17, 4, चौथे स्थान पर क्या आता है डी। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं बाएं से ना बोलते हो, आगे से बोल दे, आगे से 22वें अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो जो आगे से बोल के रखा है उसको क्या करोगे आप, बाएं से, जो आगे से देके रखा है वो बाएं से है, ठीक, तो 22 माइनस 10 कितना हुआ 12, 12वें स्थान पे क्या था एल। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। और यही अगर दोनों सेम वापस दाएं दाएं दे दे, दाएं दाएं राइट राइट दे दे, तो भी दोनों को आपको आपस में माइनस ही करना है। बस ध्यान ये रखना है कि दाएं दाएं को माइनस करने पर, दाएं दाएं को माइनस करने पर जो आएगा वो दाएं छोर से आएगा, बस एक 27 से माइनस करके आपको आंसर देना पड़ेगा। और इसी को अलग तरीके से कैसे बोला जा सकता है, पीछे से 17वें अक्षर के दाएं का, कभी भी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आगे बोल दे, आगे मतलब बाएं, पीछे बोल दे मतलब पीछे मतलब दाएं। ये जैसे एबीसीडी है, इस एबीसीडी में ये सबसे लेफ्ट हैंड है, ये कल मैंने आपको बताया था, ये बायां छोर है और ये जो है आपका दायां छोर है, और ये जो आपका बायां छोर है इसी को ही आगे वाला छोर कहा जाता है, क्योंकि आप भले कॉपी में लिखो या मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, या आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, हमेशा लिखने की शुरुआत यहीं से करते हो बाएं से, तो जहां से शुरुआत करते हो वो आपका आगे वाला छोर हो गया। जैसे आगे क्रम व्यवस्थीकरण में भी वो बोलेगा कि लड़कों की एक कतार में एक व्यक्ति का स्थान पांचवा है, पांचवा, तो पांचवा तो कहां से, पांचवा इधर से लेफ्ट से, बायां छोर ही आगे वाला छोर है। तो अभी अगले 3-4 क्वेश्चन जो अपन करेंगे वो बाएं बाएं पे करेंगे, दाएं दाएं पे। पहली चीज तो जब भी दोनों सेम हो, जब भी दोनों सेम हो उसको आपस में घटा देना है, और उसके बाद उस स्थान पे जो आएगा वो आपका उत्तर होगा, ठीक है। मे भी आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा हो अभी कि अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो बायां दायां दायां बायां, वो अपन आगे करेंगे, उसमें क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले ये जो अपन ने कंसेप्ट देखा है इसको पहले अपन देख लेते, क्वेश्चन कर लेते इसके कुछ, ठीक है। ये लो क्वेश्चन लिखो, एक निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के, बाएं से 12वें अक्षर के बाई ओर का, दोनों लेफ्ट है ना, बाएं से 12वें अक्षर के बाई ओर का, ये पीछे दिख रहा है ना पूरा, इसके अक्षर छोटे तो नहीं है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। बाएं से 12वें अक्षर के बाई ओर का 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाया बाया है, आपस में माइनस किया जाएगा, अच्छा चौथे स्थान पे खत्म हो गया क्वेश्चन।
की सबसे पहली चीज तो एक चीज समझो, आप ये बोल सकते हो कि सर एबीसीडी सामने लिखी तो है, हमको पता है बाएं से 12वां अक्षर एल होता है, हम फटाफट इसके बाएं से 8वां अक्षर गिन लेंगे, 1 2 3 नहीं, क्वेश्चन में एबीसीडी नहीं देता वो, ये बोलता अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ये तो यहाँ समझाने के लिए मैंने हर क्वेश्चन में एबीसीडी ले ली है। तो अगर आपको ये तरीका नहीं पता था तो आप क्या करते, आप एक करते अच्छा एल जो है आपने एल तक एबीसीडी लिखी, उसके बाद उसके बाएं का 8वां अक्षर मतलब एक एक करके आप पीछे की तरफ जाते, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ये बाएं है और ये भी बाएं है, और अभी अभी मैंने बताया दोनों बाएं होंगे तो क्या करना है, घटाना है, तो 12 - 8 ये कितना हुआ 4, मतलब आपका उत्तर होगा बाएं छोर से चौथा अक्षर, बाएं छोर से मतलब एबीसीडी से, एबीसीडी से चलते चौथा अक्षर क्या होता है डी, ए बी सी डी, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, अब इसी को थोड़ी सी फ्रेमिंग को बदलना है तो मैं ये बाएं ना बोलते हुए क्या बोल दूंगा, आगे 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 से 12वें अक्षर के, तो कहीं पर भी आगे लिखा आता है उसको आप कन्वर्ट कर देना बाएं पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एक और लो। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर नवा अक्षर कौन सा होगा, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर नवा अक्षर कौन सा होगा, जो कल नहीं थे जिनको क्रम याद नहीं है वो सिर्फ एबीसीडी लिख ले अपने पास कि ए से लेके जेड तक करते हुए 1 2 3 4, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोनों बाएं बाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में बाएं से 19वां है और बाएं से जो है 9वां है, दोनों बाएं दोनों को माइनस कर दिया तो 19 - 9 हो जाएगा 10, 10वें स्थान पे क्या था जे, जे को याद करने के दो तरीके थे कि जे को छोटे फॉर्म में लिखो तो उसका जीरो गिर के 10 बन जाएगा, या इजोटी पे जे दूसरे स्थान पे था उसका ऑर्डर बन जाएगा 10 या जे 10, दोनों को आपस में माइनस किया, माइनस करने पे जो भी आ गया वो आपका लेफ्ट हैंड से उत्तर हो गया। कोई डाउट इसमें, ये लो अलग हो जाए, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को बदला है, बाएं ना बोलते हुए आगे से बोल दिया गया, आगे से फर्क नहीं पड़ेगा जी कुछ ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही, के अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से, आगे से मतलब ये बाएं से ही है तो ये हो गया लेफ्ट से 23वां, और इसके बाद बोल के रखा बाईं ओर का 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ्ट से ये हो गया 12वां अक्षर, तो 23 - 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11वें स्थान पे क्या आता है किंग्स इलेवन पंजाब का के। ठीक है, देखो ये फंडा तो समझ गया आपने, जो भी मैंने समझाया आपको, बस ये कि एक दो क्वेश्चन बस लिख लो इसके, ताकि आप 3-4 महीने बाद भी उठाओ तो नोट्स पूरे बने हुए रहे। ठीक है, अभी तो आप ऐसा है कि बिना लिखे भी ऑन द स्पॉट पढ़ के आंसर दे दोगे, बस ये कि ये याद रहे क्वेश्चन के रूप में कि किस जगह पे क्या करना था आपको, बस आगे वाले छोर को बाया छोर कन्वर्ट किया, कंसेप्ट बाकी वही कि 23 - 12 - 11, 11वें स्थान पर जाएगा किंग्स इलेवन पंजाब का के। बिल्कुल सही, दो अगला, ये लो, दाएं से है ये, W कंसेप्ट सेम, दोनों दाएं दाएं देके रखे तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक, दाएं से 12वें अक्षर के दाई ओर का 8वां अक्षर बोला गया है आपको, तो दोनों दाएं होंगे दोनों राइट होंगे तो दोनों को माइनस करना, एक एक करके नहीं करना कि दाएं से 12वें में पहले ओ पे आए फिर उसके दाएं का 8वां, नहीं, ये 12 - 8वां ये 4, देखो ये चीज ध्यान रखना ये 4 आया। ठीक है, ये हो सकता है ऑप्शन में सबसे ऊपर ऊपर आपको डी दे दे, भले 1 या 2% बच्चे लेकिन ये गलती कर देते कि 4 आया तो चौथे स्थान पे डी होता है तो डी पे टिक कर दिया, नहीं, जब दोनों दाएं देके रखे तो ऐसी स्थिति में जो ये आपका आया माइनस करने पर दाएं छोर से आया है, राइट हैंड से आया है,
तो दाएं छोर से चलते हुए चौथा अक्षर जो होगा, वैसे तो इजीली निकल रहा है चौथा तो ऐसे ही, लेकिन दसवां बारहवां होता तो फिर दिक्कत होती, तो मैं क्या करता, मुझे पता है कि कोई भी अक्षर मुझे दाएं छोर से निकालना है, मुझे पीछे से क्रम याद नहीं है, ये तो इजीली निकल जाएगा कि जेड ये वाई एक्स ये हो गया डब्ल्यू। लेकिन यही अगर कोई ज्यादा हो जाता तो मैं क्या करता, 27 से माइनस करता, 27 से, तो 27 से जैसे ही मैंने 4 माइनस किया कितना आया 23, 23वें स्थान पे क्या होता है डब्ल्यू। देखो एक चीज थोड़ी सी ध्यान से समझो कि कितने भी क्वेश्चन आए उसमें कहीं पर भी दाएं छोर से या पीछे से कुछ भी देता है तो मैं उसको बार बार 27 से माइनस करूंगा, लेकिन 27 से माइनस करने का कारण यह है कि मैंने सारे क्रम जो है आगे से याद किए, जो भी मेरे को दाएं छोर से देके रखा उसको मैं बाएं छोर पे कन्वर्ट करूंगा। लेकिन अगर मैंने आगे से भी एबीसीडी याद नहीं करी है तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता माइनस करने का, आया ना। अगर सपोज करो मेरे को बोला है पीछे से 15वां अक्षर कौन सा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने उसको 27 से माइनस करके करा कि अच्छा पीछे से 12 मतलब आगे से, और पीछे से 15 मतलब आगे से 12, अब आगे से 12 भी मैं ये गिनना ए बी सी डी ऐसे थोड़ा करना है, आपको क्रम याद रहना चाहिए। इसके आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आएंगे, जैसे एक आप सीजीएल में क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है, अभी तो देखो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये ऐसी है कि इसमें कहीं पर भी एबीसीडी में छेड़छाड़ नहीं कर रहा मैं, जो एबीसीडी है वो वैसी की वैसी। लेकिन अगर इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करना शुरू कर दूं कि एबीसीडी के प्रथम अर्धांश के 13 अक्षरों को उठा के पूरा पलट दो, या पीछे के 13 अक्षर को पलट दो, या पूरी एबीसीडी को पलटा दो, या बीच में जी से लेके 12 अक्षरों के क्रम को पूरा उल्टा कर दो, ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट बनता है इस टाइप का। अगर ये आपको नहीं पता पूरे तरीके से करोगे तो 3 से 3.5 मिनट लेगा ये क्वेश्चन, कि जी से प्रारंभ करते हुए यदि 12 अक्षरों के क्रम को पलट दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, या दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, इसको लिख के करना पड़ेगा। लेकिन इसका तरीका आपको पता तो 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसके लिए तरीका पता होना चाहिए कैसे होगा, और दूसरा क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्रम तो मैं बार बार रिपीट करूंगा, वैसे तो हो गए होंगे याद। ठीक है, तो ये दाएं से चौथा अक्षर हो गया आपका W, क्योंकि 27 से माइनस करने पे आया 23, 23वें स्थान पे आ गया W। जल्दबाजी मत कर देना, सपोज कभी आपको पीछे से 10वां अक्षर उत्तर देना है तो जे आपको ऊपर ऊपर देगा सबसे ऑप्शन में, टिक मत कर देना, दाएं छोर से जब भी हो उसको 27 से माइनस करके उत्तर देना, और वो कारण मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों माइनस कर रहे थे अपन, ये लो ओरली हो जाएगा ऐसे ही। नहीं नहीं यूनिक यूनिक, हाँ अंग्रेजी वर्णमाला में, बिल्कुल सही, अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 15वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 15वें अक्षर के दाईं ओर का, बिल्कुल सही, दाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा, पीछे से 15वें अक्षर के दाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा। पीछे से बोला मतलब राइट से, तो मुझे राइट से 15th अक्षर देके रखा है और मुझे उसके भी दाएं का 7वां अक्षर उत्तर देना है, तो 15 माइनस 7 कितना हो गया 8, लेकिन 8वें स्थान पे H वैसे तो देके नहीं रखा, ठीक, बट ये जो है मेरे को दोनों को माइनस करने पर ये दाएं छोर से 8वां अक्षर आया, दाएं छोर से 8वां अक्षर आया, तो मैं इसको पहले 27 से माइनस करूंगा 8 को, कितना आएगा 19, 19वें स्थान पे क्या होता है S, ये हो गया आपका उत्तर S। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दाएं छोर से जो भी वो पूछता है उस स्थान पे आगे से क्या आता है वो विकल्पों में देख के रखेगा, उस पर टिक मत कर देना, कोई डाउट, ठीक, किसी को डाउट है क्या पीछे, नहीं ना, बड़े आगे है डाउट तो पूछू बेटा, नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक चल रहे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्ट करूंगा, अगर ये बेसिक पर टक गया तो आगे दिक्कत आएगी, तो वापस दोबारा पूछ लेना कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई तो। ठीक, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अभी मैंने दोनों जो क्वेश्चन करे वो दोनों क्वेश्चन ऐसे करे जहां पे दोनों की दोनों जो है आगे से देखे रखे थे, बाएं बाएं से या दाएं दाएं से, लेकिन अब वो जब दोनों बदल जाएंगे, बायां दायां हो जाएगा, दायां बायां हो जाएगा, तो अप्रोच क्या रहेगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो सपोज अगर वो मुझे बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा, अब इसको पूरा तरीका करने का क्या है, देखो सबसे पहले बाएं से 8वां अक्षर, लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा होता है, एच, इस अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर, इसका दाया मतलब आपका दाया, तो आपका दाया किधर जाएगा, इस तरफ,
इसके दाएं का दसवां अक्षर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंसर क्या आया? 8। लेकिन ये तरीका वापस से बड़ा है, आपको क्या करना है, कभी भी बायां दायां आए, लेफ्ट राइट आए, उसको जोड़ दो, जोड़ दो। तो ये 8 + 10 कितना हुआ? 18। 18वें स्थान पे क्या आता है? 8। ये क्या, क्वेश्चन खत्म। आपको एबीसीडी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्रम यदि अगर आपको याद है तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। फिर से देखो कि मुझे बोले बाएं से सातवें अक्षर के दाएं का 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7 + 15 = 22। 22वें स्थान पे क्या था? वी था ना। एक क्रम याद हुए कि नहीं हुए? हुए ना। तो बस कभी भी बाया दाया दे, बाया दाया दे, तो आपको दोनों को आपस में जोड़ देना है बस। अब इसी को क्या बोल सकता है, बाएं ना बोलते हुए वही बोल सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से आठवें अक्षर के दाई ओर का दसवां अक्षर कौन सा होगा? तो आगे से मतलब बाई ओर से, बाई ओर से। जैसे देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से दसवें अक्षर के दाएं का 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो जो आगे से देके रखा है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा बाएं छोर पे। अब लेफ्ट राइट है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, 10 + 5 कितना हुआ? 15। 15वें स्थान पे क्या था? ये हो गया क्वेश्चन खत्म। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझना। देखो मैंने बाएं से आठवें अक्षर के दाएं का दसवां अक्षर बोल दिया जो कि 18 हुआ, आंसर हुआ 8। लेकिन क्या अगर मैं इन दोनों के क्रम को बदल दूंगा तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सपोज ये बोल दिया जाए दाएं से दसवें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर, इसको यदि मैं पूरा करूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दसवें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो पहले दाएं से दसवें अक्षर पे आता है ये 3, ये 6, ये 9, और 10वां अक्षर कौन सा हुआ? ओ। इस अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर, इस अक्षर के लेफ्ट का 8वां अक्षर पूछा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या है? आई। देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट बिल्कुल 8 और 10 देकर रखा था, लेफ्ट राइट 8 और 10 देकर रखा है, इसका आंसर राइट आ रहा है, इसका आंसर आई आया। फर्क क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, कभी भी लेफ्ट राइट दे या राइट लेफ्ट दे, दोनों को जोड़ना है। यहां पे भी मैं जोड़ूंगा, 10 + 8 कितना होगा? 18। बट एक चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि यदि पहले हिंदी में आपको दायां बोल दे, दायां दायां, तो ऐसी स्थिति में आपको उत्तर दाएं छोर से देना है। अगर हिंदी में पहले बायां बोल दे, बायां मतलब बाएं छोर से उत्तर देना है। जैसे कि अगर वो मुझे बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें अक्षर के दाएं का दसवां, बायां दायां जुड़ा, 8 + 10 = 18, पहले हिंदी में बायां बोला था, इसका मतलब एबीसीडी वाले छोर से 18वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? 8। लेकिन यही मेरे को पहले दायां बोल दे, जुड़ेंगे अभी भी दोनों, दाएं बाएं भी जुड़ेगा कि दाएं से दसवें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर, 10 + 8 कितना हो गया? 18। लेकिन पहले हिंदी में क्या बोला है? दायां दायां, तो इसका मतलब मुझे इधर वाले दोनों से उत्तर देना है। क्या जेड से चलते मुझे 18वां अक्षर पता है? नहीं। किससे माइनस करूंगा? 27 - 18 कितना होगा? 9। 9वें स्थान पे क्या था? ये हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो एक और क्वेश्चन देखो, अगर मुझे वो बोले कि दाएं से 11वें अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा, दाया बाया है तो ये जुड़ेगा, तो ये हो गया 11 + 10 = 21। लेकिन मुझे पहले क्या बोला? दाया, मतलब मुझे दाएं छोर से उत्तर देना है, जेड से चलते उत्तर देना है। जेड से चलते हुए 21वां अक्षर मुझे नहीं पता, तो किससे माइनस करूंगा? 27। 27 - 21 होता है 6। छठे स्थान पे क्या था? फिक्स 6 का है। दोनों में फर्क समझ लो, कभी भी बाया दाया दे या दाया बाया दे, जोड़ना दोनों को है। मतलब जब दोनों सेम थे, बाया बाया दाया दाया, दोनों को घटा देना है। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, दोनों को जोड़ देना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्या बोल रहा है पहले हिंदी में। अगर हिंदी में पहले उसने बायां बोला है, बायां, इसका मतलब एबीसीडी से चलते हुए, आपको क्रम पता है, क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। जैसे 3-4 क्वेश्चन देखो ऐसे ही बोल रहा हूं, फिर मैं लिखाता हूं आपको। जैसे देखो पहले वाले टाइप के क्वेश्चन बोल रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा? 7 + 10 = 17। पहले बायां बोला है तो बाएं से एबीसीडी से चलते हुए 17वां अक्षर क्या था? क्यू। ये क्वेश्चन खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं का 6ठा अक्षर, फिर बायां दाया जुड़ेगा, 5 + 6 = 11। पहले हिंदी में बायां बोला है, मतलब एबीसीडी से चलते हुए 11वां अक्षर क्या था? किंग्सलैंड पंजाब का खे। यही अगर अब मैं बोल दूं दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं का 8वां, तो 5 + 8 = 13। लेकिन पहले क्या बोला है? दायां, तो मुझे 27 से माइनस करके उत्तर देना पड़ेगा। बस ये फर्क है छोटा सा, ठीक है? 27 - 13 = 14, 14 पे क्या आ जाएगा? n। क्वेश्चन हो गया खत्म।
बड़े आगे इस क्वेश्चन को कर ले जो मैंने बताया, लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो दोनों आपस में जुड़ेंगे, बट ये थोड़ा ध्यान रखना कि छोर कौन सा है, एंड कौन सा है। पहले बाया बोला है, बाएं की जगह आगे बोला है तो भी एक ही बात है, और दाएं की जगह पीछे से बोला है तो भी एक ही बात है। इसमें क्या क्या घुमा सकता है वो लैंग्वेज में, वो सारे क्वेश्चन देख लो आप। अब इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन के रूप में देखो इसको आप, क्वेश्चन लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में। अभी आंसर नहीं ना, अभी आंसर नहीं, पहले सबको करने देना, अभी इसका आंसर नहीं, अभी आंसर नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वें अक्षर के, बाएं छोर से 17वें अक्षर के दाई ओर का, दाई ओर का पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाई ओर का पांचवा अक्षर कौन सा होगा। बाएं दाएं जुड़ेगा, 17 + 5 = 22, 22 वें स्थान पे क्या था, बी। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्रम याद होना चाहिए बस, जो कल अपन ने याद किए थे, तो क्वेश्चन ऐसे खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट तो बहुत आसान है कि अच्छा एक लेफ्ट देके रखा है, ये बाएं छोर से 17वां, ये बाएं छोर से 17वां हो गया, और उसके दाएं का पांचवा देके रखा है, तो 17 + 5 कितना हो गया, 22। लेकिन अब शुरू में मुझे क्या बोला है, बाय बाय बाय, मतलब ए बी सी डी से चलते हुए 22 पर। मुझे एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं, क्रम याद किया, 22वें स्थान पे विक्ट्री का वी था, वी वी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, आंसर हो गया वी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बोलना है तो वो क्या बोलेगा, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 17वें अक्षर के दाई ओर का पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो आगे से बोल के रखा है उसको आप बाएं से कर दो, कभी भी आगे बोले मतलब बायां, पीछे बोले मतलब दायां, ठीक है। ये लो एक और क्वेश्चन लो, ये नोट कर लिया, ये लो, ये देखो, ये जो आगे से मैंने बोला वही है ये, बिल्कुल सही। देखो मैंने आपको बोला था अगर आपने क्रम अच्छे से याद कर लिया तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कंसेप्ट पता होने चाहिए। 8 + 7 = 15, 15 पे क्या था, ओ ये हो गया क्वेश्चन खत्म। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बड़े बड़े आते हैं, 3-3, 4-4 लाइन के भी आएंगे, जो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आप इस तरीके से पढ़ते हो कि जहां एक ही बार में पूरे क्वेश्चन की सारी चीजों को उठा लेते हो, तो क्वेश्चन को जितना पढ़ने में समय लगेगा उतना करने में समय लगेगा। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि वो खुद को ट्रेन इस तरीके से करते हैं सालों कि जैसे कि क्वेश्चन 4 लाइन का देके रखा है, वो पहले एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन में जितना देके रखा है वो करेंगे, फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे, फिर वो करेंगे, तीसरी लाइन करेंगे, ऐसे कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3-4 बार ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे, वो कम से कम समय ले जाएगा 1.5 मिनट 2 मिनट। मैं आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि 6-6 लाइन के क्वेश्चन होंगे, आपको फटाफट क्वेश्चन को पढ़ लेना, पढ़ने में जितना समय लगेगा उतना ही करने में समय लगेगा। अगर आप उसकी स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वो क्वेश्चन 2 मिनट ले जाएगा आपके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जब तक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें हर लाइन में बहुत सारा डाटा छुपा हुआ है, तब तक तो एक ही बार में पूरा उसको पढ़ लो। सपोज करो आप चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन कर रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, अब उसमें हर लाइन में कुछ ना कुछ डाटा देके रखा है, आप एक बार में पूरा नहीं पढ़ सकते, आपको याद नहीं रहेगा। तो उसमें आपने पहली दूसरी लाइन पढ़ी, उसमें जितना डाटा देके रखा उसको यूज किया, फिर तीसरी चौथी लाइन पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इंस्ट्रक्शन बेस पे होते हैं कि जैसे एक बड़ा सा शब्द दे दिया जिसके अंदर 8 अक्षर है, पहले को बदला जाए 5वें से, फिर दूसरे को 6ठे से, ऐसे करते हुए जब वो बोल रहा है पूरा करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन को पढ़ोगे वहीं खत्म हो जाएगा। ये आगे अगले टाइप जो आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। तो मैं यही बोल रहा हूं, खुद को ट्रेन खुद इस तरीके से करना कि आप एक ही बार में पूरा क्वेश्चन देख लो। ये बोल रहा हूं, ऐसी बहुत सारी एग्जाम होती है जिसमें अगर आप बैठोगे जहां पे आपको एक एक घंटे में 100-100 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ऐसी स्थिति में ये तरीका बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे CHSL हो गई, CGL हो गई, जैसे CGL हुई थी अभी, दी थी किसी ने, किसी ने नहीं दी। CGL ऐसा है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर बच्चे, इंदौर में जो आपको दिखेंगे ना, ये तैयारी करने वाले MPPSC के बच्चे होते हैं। MPPSC आपको बनाएगा ग्रेड बी का अधिकारी स्टेट लेवल से, लेकिन CGL आपको बनाएगा ग्रेड बी का अधिकारी सेंट्रल लेवल पे।
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रॉ, आईबी, क्राइम ब्रांच, इतनी तगड़ी पोस्ट है कि तीन तीन पीढ़ियां खड़ी हो जाएगी आपकी तगड़ी। और इसमें और कुछ नहीं है, ये जो आप एसआई में पढ़ रहे हो ना, यही वाला सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएसजी के। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा लेवल का फर्क पड़ेगा, वो पढ़ते पढ़ते आपका लेवल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप उस चीज को भी टारगेट करोगे ना, तो वो भी निकल सकती है एक साल में। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें कुछ ऐसा सेक्शन है जो आपको थोड़ा सा भ्रमित करेगा कि हाँ आप जो पढ़ रहे हो उससे अलग पढ़ना पड़ेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट जाओगे। नहीं, एसएससी के जितने फॉर्म आते हैं सारे भरना, क्योंकि उसमें जो आप पढ़ रहे हो वही है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएसजी के हैं। कुछ ऐसी एग्जाम जो कि आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करेगी वो भले मत देना। जैसे अब सपोज यूपीएसआई आ गया, यूपीएसआई में आपको तीन चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ जाएगी। एक तो यूपी पढ़ना पड़ जाएगा, यहाँ एमपी पढ़ना पड़ता है, वो यूपी बहुत लेंदी, बहुत बड़ा है, ठीक है, वो तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उसके बाद उसमें एक और होता है सीआरपीसी और आईपीसीसी, ये बहुत लेंदी हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मे भी इस बार वाला जो एमपीएसआई होगा उसमें भी सीआरपीसी और आईपीसीसी जुड़ जाए। आप लोगों ने अगर देखा हो, आज से दो तीन महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोला गया था ऐसे ही 600 नंबर की हो जाएगी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा, छोड़ो। ऐसा ऊपर टेंटेटिव दिया था, ये पक्का है कि नहीं पता नहीं। अगर वो 600 नंबर की हो गई, उसमें फिजिकल के भी नंबर बोले गए, फिजिकल के भी नंबर बोले गए। मतलब अगर आप 2:20 जैसे 2:38 की जगह पे 2:20 2:15 पे रेस निकालते हो तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। बट ये सब चीजें हटाई गई थी, जैसे 2:40 होता है, अब अगर 2:40 की जगह आपने 2:20 पे 2:15 पे निकाली तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर उन्होंने फिजिकल के नंबर दिए मतलब क्वालिफाइंग नहीं है। अगर सभी बच्चे फिजिकल निकाल दो, सबको पूरे नंबर दे देने होते तो वो क्वालिफाइंग होती। नंबर जोड़ने का मतलब ये कितने अच्छे तरीके से फिजिकल करोगे तो उसमें और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ये करना नहीं चाहिए था, ये पहले होता था तो उसमें धांधली होती थी बहुत। सपोज ऑन द स्पॉट किसी ने 2:38 में रेस कंप्लीट करी, बाद में जाके इसकी 2:20 कर दी जाए, किसको पता चलेगा? इंटरव्यू के भी नंबर बोले गए उसमें। अब ये ऊपर ऊपर से बोला है, एक ऊपर से नोटिफिकेशन आया था 600 नंबर का, कितना सही कितना गलत अभी उस पर नहीं चलेंगे अपन। वो जो 200 नंबर की एग्जाम हुई थी एमपीएसआई की 2017, उसी को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेबल दिया था किसी ने पिछली बार वाला? दिया होगा ना, ठीक। बाकी ने नहीं दिया क्या कि अभी अभी तैयारी शुरू करिए? चलो ठीक है, कोई नहीं। बस मैं इतना बोल रहा हूं कि जो लेवल है वो 2017 वाला नहीं, 2017 वाला लेवल पार हो चुका। पिछले साल का कांस्टेबल का पेपर आप उठा के देखोगे तो बोर्ड मार्क्स के सिंपलीफिकेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन दिए उसने मैथ्स में। कैलकुलेशन वाला पार्ट उसमें भी था, आबकारी में भी था, और अभी पटवारी वाली में भी कहीं कहीं पे, जैसे कल वाली शिफ्ट में 40 क्वेश्चन थे मैथ्स के, 65 नंबर था मैथ तो रीजनिंग, 35-40। तो थोड़ा ध्यान रखना, मैथ तो रीजनिंग को तो दबा के पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। वापस इधर आ जाओ, जैसे मैं कल बोल चुका था आपको कि सेंटर की अभी बहुत सारी वैकेंसी डिक्लेयर होगी, और उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि अगले 1.5 साल में 1,00,000 वैकेंसी डिक्लेयर होगी सेंटर से, और उसकी 3-4 महीने में आपको 1,00,000 वैकेंसी दिख भी चुकी है। एसएससी एसएससी की सिर्फ बात कर रहा हूं, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, हेड कांस्टेबल, तो सब भरना है ये सारी। मैं बोल रहा हूं ना, उन्होंने 4-5 महीने पहले पीएमओ ने डिक्लेयर किया था कि अगले 18 महीने में 1 मिलियन जॉब, बोले तो 1,00,000 सेंटर से नई वैकेंसीज क्रिएट होगी और उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 में आम चुनाव है। अगर उन्होंने वादा किया और ये पूरा नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आप और कांग्रेस तो कच्चा चबा जाएगी उनको। एक वो है, और अपने स्टेट से अपना इस बार चुनाव भी है नवंबर दिसंबर में, तो उसके लिए वो एमपीएसआई भी देंगे ही देंगे। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ईमानदारी से पढ़ते रहो, अगर पढ़ रहे हो मेहनत कर रहे हो तो 1-8 साल में कहीं भी सिलेक्ट होकर आगे निकल जाओगे। 1-1.5 साल में मेहनत करते रहो, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, फिर नहीं हो रहा आपका सिलेक्शन, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बच्चा बिना एग्जाम को देखे ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, वो सिलेक्शन ले जाएगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बस इतनी कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जब वो इनिशियली आते हैं पढ़ने तो उनसे बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन भी सॉल्व नहीं होता, लेकिन 1.5-2 साल अच्छी तगड़ी मेहनत करने के बाद वो भले ग्रेड डी का कोई ऐसा भी पोस्ट निकाल के बाहर चले जाते हैं, सिलेक्ट होके निकल जाते हैं। मेहनत बहुत मायने रखती है। और वही मैंने दूसरी जगह ऐसे बच्चे भी देखे हैं क्लास में, जहां मैं क्वेश्चन से बोल रहा हूं और हाथों हाथ आंसर दे देते, वो 3 साल से आज भी तैयारी कर रहे हैं, आज भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते। सिर्फ क्लास भर में उत्तर जल्दी देने से आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी, जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हो, जब तक आप मेहनत नहीं करते नहीं निकलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। जो बच्चे जो डरे सहमे होते थे, जिनसे नहीं बनता था, मेहनत तगड़ी करते थे, वो 1.5-2 साल में भले ही कांस्टेबल या ग्रेड डी निकाल के आगे बढ़ गए वो यूएस की रेलवे की। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब मैं क्वेश्चन से बोलूंगा और कंप्लीट कर देंगे बिना पेन उठाए,
वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। खुद के साथ ईमानदार नहीं रहोगे तो नहीं निकलने वाली एग्जाम। ये आपका कंपटीशन नहीं है ना चितावर, पूरा मध्य प्रदेश है। 20 लाख फॉर्म भरा है पटवारी के। और ये तो ठीक है अगर आप रेलवे में जाओगे या सेंटर की कोई एग्जाम पकड़ोगे। रेलवे का जो एनटीपीसी ग्रुप दिया था 2.5 करोड़ फॉर्म भरवाए थे, 2.5 करोड़। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन 2.5 करोड़ किसको कहते हैं? मतलब जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की नहीं, उतने ज्यादा बेरोजगार है अपने इधर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं बस कि अपना लेवल अच्छा रख के पढ़ो, कोई सी भी एग्जाम पे हाथ रखो कि बिल्कुल निकलेगी। बस खुद पे विश्वास रखो। और अगर आप ऐसे हो कि आपको डर लगता है कि यार ये तो जल्दी आंसर दे दे रहे हैं, आपका कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है। जो जल्दी आंसर दे रहे हैं उनकी मेहनत है, पहले से नहीं आता उनको, ये उनकी भी मेहनत है। आप ये मत बोल देना कि नहीं इसको तो पहले से आता है इसलिए एग्जाम निकल। मां के पेट से कोई नहीं सीख के आता, ये ज्यादातर बच्चे करते जिनका गणित अच्छा होता ना, तो उनके लिए बोल दिया जाता है इसका गणित तो पहले से अच्छा। पहले से कैसे अच्छा होता है? आपने ये बोल के उसके पीछे की जो रात रात की उसकी मेहनत है सारी बिगाड़ दी, सारी की सारी बिगाड़ दी। एक छोटी सी चीज बता दो, उसका नाम सुना होगा माइकल फेल्प्स का। माइकल फेल्प्स जो है अमेरिका का तैराक है, उसके पास इतने गोल्ड मेडल है अकेले के पास ओलंपिक्स के, जितने 70 साल में भारत ने पूरी हिस्ट्री में नहीं जीते। पूरे भारत ने जितने गोल्ड मेडल नहीं जीते अकेले, उसके पास उतने गोल्ड मेडल है। 5-5, 6-6 गोल्ड मारता है एक ही बार में ओलंपिक्स में। 2008 का ओलंपिक्स था शायद, जब वो आया था तो वो ओलंपिक्स उसका इतना अच्छा नहीं रहा था, करीब 3 या 2 ही गोल्ड मेडल मिले थे। जिस कैलिबर का वो है उसमें 2-3 गोल्ड भी कम है। जब वो आखिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो वो ये बोल के गया था कि अगली बार जब आऊंगा ना तो अगली बार बहुत लंबा दम मारूंगा, जितनी कॉम्पिटिशन होगी सारी उड़ा के जाऊंगा। 4 साल बाद वाला जो हुआ 2012 का ओलंपिक्स, जितने थे सारे 7 से 8 गोल्ड मेडल मारे उसने सारे। आखिरी में जब खत्म हुआ ना ओलंपिक्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक रिपोर्टर ने ये बोला कि आपकी किस्मत तो अच्छी थी, उस समय आपके ऊपर जीवन पे सरस्वती बैठ गई थी, तो जो आपने बोला वो पूरा हो गया और आपको 8 गोल्ड मेडल मिल गए, आपकी किस्मत अच्छी थी। उसने उस रिपोर्टर को बुलाया और पास से बिठाया, उसे बोला कि जब मैं बोल के गया था ना, जब से 4 साल हो गए, हर साल के 365 दिन होते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक डेली प्रैक्टिस करता हूं, मेरी माँ का बर्थडे हो, बीवी का हो या बेटी का हो, खून की उल्टियां करता हूं डेली, उसके बाद भी प्रैक्टिस छोड़ता नहीं, तो तू प्रैक्टिस नहीं देख रहा, तू मेरी किस्मत की बात कर रहा है। ये ज्यादातर लोग होते हैं कि आपने आसपास देखते हैं इनका गणित अच्छा, इनका गणित तो अच्छा है, अच्छा नहीं है, अच्छा बनाया है, उसके पीछे का संघर्ष देखो। जब आप संघर्ष देख पाओगे ना, तब आपको लगेगा ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये सोच लोगे कि ये तो कर सकता है ना क्योंकि इसको आता है, आता नहीं है, उसने ऐसी मेहनत करी है। जैसे हमारे भारतीय समाज में होता है, हर किसी को इतना बड़ा ओहदा दे दो कि कंपैरिजन की बात ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि गुस्सा मत करो, ये मत करो, चोरी मत करो, बुद्ध भी नहीं करते थे, महावीर भी नहीं करते थे, तो आप क्या बोलोगे? वो तो भगवान है ना यार, हम तो इंसान है ना, हम थोड़ा कर सकते हैं। तो ये होता है, हम एक व्यक्ति को इतना बड़ा ओहदा देते हैं कि कंपैरिजन की बात ही नहीं आती। जैसे आज के जमाने में फिर भी गांधी जी से अपन को कंपेयर किया जाता है कि गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, आप नहीं हो, आप भी बन सकते हो। 500 साल बाद उनको भी भगवान का जब ओहदा मिल गया, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, और लोग यही बोलेंगे वो तो भगवान थे ना यार। आदमी जब किसी को व्यक्ति के रूप में देखता है ना, तब उसको अंदर से ऐसा लगता है ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन वो चाहता नहीं है क्योंकि उसके लिए मेहनत लगेगी। अब एक चीज ध्यान रखो, आपके आसपास जो जितना तेज है, जितना पढ़ाई में तेज है वो है, तो आप भी बन सकते हो। बात सिर्फ मेहनत की है, सबको सब रास्ते पता है कैसे एग्जाम निकालनी है, हर किसी के बस की नहीं है। बस आपको भी पता है एग्जाम कैसे निकलने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, सबको सब पता है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे सब। उसके लिए बहुत बड़ी प्राइस देनी पड़ती है, उसके लिए सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपको, आपको आपकी लाइफ में ये मोबाइल वोबाइल सब, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब साइड करना पड़ेगा। ये हर कोई प्राइस जो जो पे करेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। रास्ता आपको पता है कि आगे जब तक आपको सिलेक्शन चाहिए भयंकर मेहनत करनी है, हर किसी से होगी नहीं, बस पता सबको है, लेकिन सिर्फ पता होने भर से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप बड़ी पूंजी लगाने के लिए तैयार है कि मैं जो भी हो, जितना भी संघर्ष हो, जितना भी सेक्रीफाइस हो, करने के लिए तैयार हूं, मेरे को चाहिए पोस्ट, मतलब चाहिए, जिस पोस्ट पे हाथ रखोगे वो आपकी है, बस मैं इतना कह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन आगे से 8वें के दाई बोला है, तो इस आगे वाले को आप क्या कन्वर्ट करोगे? लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 8वें अक्षर के दाई ओर का 7वां अक्षर बोल के रखा है, तो लेफ्ट प्लस राइट जुड़ जाएगा, 8 + 7 ये कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि शुरुआत में आगे बोल के रखा है, मतलब एबीसीडी से चलते हुए, एबीसीडी से चलते हुए 15वां अक्षर क्या हो जाएगा? ओ ओ, कोई डाउट इसमें? लो एक और क्वेश्चन लो।
अभी एक दो क्वेश्चन के बाद थोड़े से क्वेश्चन बदल जाएंगे, इसके बाद थोड़ा अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बोल देता हूँ, लिख लो भले। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, बोले तो राइट से, दाएं से आठवें अक्षर के, दाएं से आठवें अक्षर के बाईं ओर का सातवां अक्षर, बाईं ओर का सातवां अक्षर कौन सा होगा? आंसर देखो, दाया बाया दिया है, दाया बाया दिया, बाया दाया दिया, पहले तो आपको फटाफट जोड़ देना है, उसके बाद छोर पकड़ना है कि किस छोर से उत्तर देना है। तो 8+7 कितना हो जाएगा? 15। अब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे जो है दाएं से बोल के रखा है, दाएं से मतलब जेड से चलते। देखो 15वां अक्षर असल में क्या होता है, ओ। अगर ऑप्शन ओ देके रखा है तो टिक मत कर देना, बस ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मुझे दाएं से बोल के रखा है, जेड से चलते हुए 15वां अक्षर नहीं आवे तो मैं इसको पहले 27 से माइनस करके पहले कन्वर्ट करूंगा, ये कितना होगा? लेफ्ट से 12वां, लेफ्ट से 12वां अक्षर क्या था? एल। एल ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस करना है तो वो क्या बोलेगा? दाएं ना बोलते हुए पीछे से बोल देगा। एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, ये लिखो आप, बोलो। लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 11वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 11वें अक्षर के बाईं ओर का, लेफ्ट, पीछे से 11वें अक्षर के बाईं ओर का सातवां अक्षर कौन सा होगा? अभी उत्तर नहीं, अभी उत्तर नहीं, पहले सबको करने दो। पीछे से, अभी उत्तर नहीं, पीछे से 11वें अक्षर के बाईं ओर का, लेफ्ट का सातवां अक्षर कौन सा होगा? अरे रुक जाओ दादा, बोर्ड में बुलाऊंगा फिर मैं करने के लिए, और मैं सबको छोड़ दूंगा आपके ऊपर कि पूछो जैसे क्वेश्चन पूछने। तो पहले तो पीछे से जो देख रहेगा उसको राइट लिख दो, दाएं लिख दो। जो बच्चे बस कल ली थे वो एक काम करना, जो कल पढ़ाया था उसका फोटो खींच लेना बस। क्रम में आप किए थे और शुरू के 3-4 टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है? हुआ तो अपन एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक? देखो पीछे से बोल के रखा है इसका मतलब दाएं से, दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर का सातवां, दोनों जुड़ेंगे 11+7 कितना हो जाएगा? 18। क्योंकि अब मुझे पीछे से बोल के रखा है मतलब मेरा आंसर राइट हैंड से होगा। अब दाएं से 18वां अक्षर मुझे नहीं पता, मुझे उसको 27 से माइनस करना पड़ेगा, तो 27-18 ये कितना हो जाएगा? 9। 9वें स्थान पे क्या होता है? आई। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है? ये हो गया होगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और देता हूं, ये करो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो अभी तक टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक बायां, फिर दायां, ये कल कर लिया था अपन ने, तीसरा टाइप बायां बायां, लेफ्ट लेफ्ट, और चौथा टाइप दाया दाया, राइट राइट, ये आपसे से किया आज अपन ने, पांचवा टाइप लेफ्ट राइट, और छठा टाइप राइट लेफ्ट। जब बाया दाया हो या दाया बाया हो दोनों को जोड़ना है, छोर थोड़ा सा ध्यान रखना है कहां से उत्तर देना है, पहले बाया बोला है तो बाएं से, पहले दाया बोला है तो दाएं से। जब भी दोनों बाएं बाएं, जब भी दोनों दाएं बाएं हो, दोनों सेम हो, दोनों को घटा दो, घटा के जो आएगा वो आपका उत्तर है। सिर्फ दाएं दाएं में थोड़ा सा ध्यान नहीं रखना है कि दाएं से 20वें के दाएं का 10वां बोले तो दोनों को माइनस करना है, लेकिन आंसर दाएं छोर से होगा तो 27 से माइनस करके उत्तर देना है, ठीक है? अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन कैसा होगा, देखो लिखो, लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में, ये लो एक सेकेंड, ये अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 10वें, अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 10वें और आगे से 10वें और
आगे से 22वें अक्षर के आगे से 10वें और आगे से 22वें अक्षर के ठीक मध्य में, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? आगे से 10वें और आगे से 22वें अक्षर के ठीक मध्य में या ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? पी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो पहले इसको मैं पूरा बड़ा तरीका बता देता हूँ कि करने का क्या क्या बोल रहा है। दो अक्षर लिए उसने, एक तो आगे से दसवां, आगे से दसवां अक्षर कौन सा होता है? जे, ये जे हो गया। आगे से दसवां अक्षर और आगे से बाईसवां अक्षर, आगे से बाईसवां अक्षर कौन सा आता है? वी। अब वो ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे और अक्षर वी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? आगे से दसवां और आगे से बाईसवां। अब ये मैंने दो अक्षर हाईलाइट कर दिए, इसके लिए अगर मेरे को पूरा आंसर निकालना है कि इनके मध्य में कौन सा होगा, तो ये एक दो तीन चार मैंने इधर से काटे, ये एक दो तीन चार इधर से काटे, फिर वो इधर से, क्यू इधर से, बीच में क्या बचा? पी। हो गया आपका उत्तर। लेकिन ये बहुत बड़ा तरीका है, इसके लिए सबसे पहले तो एबीसीडी पूरी आपको लिखनी पड़ेगी। एबीसीडी लिखने के बाद उसमें हाईलाइट करना पड़ेंगे दो अक्षर, फिर काटते हुए बीच में आना पड़ेगा। इससे नहीं करना, कभी भी दोनों अक्षर आपको आगे से बोले या दोनों अक्षर बाएं छोर से बोले, दोनों के मध्य में निकालना है तो क्या करो, देखो दोनों को जोड़ दो, 10 + 22 कितना होगा? 32। इन दोनों के ठीक मध्य में पूछा गया है, मतलब दोनों का मान, दोनों का एवरेज। 32 को 2 से भाग दे कितना आएगा? 16। 16वें स्थान पे क्या आता है? ये हो गया क्वेश्चन खत्म। मुझे कभी भी किन्हीं दो अक्षरों के ठीक मध्य में कोई सा अक्षर पूछे, उन दोनों के ऑर्डर को, उन दोनों के क्रम को आपको जोड़ देना है बस, और क्रम से जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग दे दो। सपोज मुझे बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6ठे बोले तो लेफ्ट से 6 और बाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो 6 + 12 = 18, 18 को 2 से भाग दिया 9, 9 पे क्या आता है? आई। तो इन दोनों के ठीक बीच में आई होगा। बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि किन्हीं भी दो अक्षरों के ठीक बीच में एक अक्षर जब भी एग्जिस्ट करता है जब ऊपर जोड़ने पर सम आए, सम इवन आए, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36 ऊपर जोड़ने पर विषम नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर जोड़ने पर विषम आ गया, विषम, तो इसका मतलब उनके बीच में अक्षर नहीं, अक्षरों का जोड़ा एग्जिस्ट करता है, पेयर एग्जिस्ट करता है। लेकिन कभी भी आपको दो अक्षर दे दिए जाए, दोनों के क्रम आपको पता है, उन दोनों के ठीक मध्य में कोई सा पूछा है, दोनों को जोड़ना है और 2 से सिंपल भाग दे देना है। हाँ है ना, बड़े आगे एक और क्वेश्चन लिखो। और ये आगे आगे ना बोलते हो, बाएं बाएं बोलते तो एक ही बात है ना, बाएं से 10वें, बाएं से 22वें, ठीक। लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें बोले तो लेफ्ट से 7th, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और बाएं से 17वें अक्षर के मध्य में, बाएं से 7वें और बाएं से 17वें अक्षर के मध्य में, 17वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बाएं से 7वें और बाएं से 17वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? L। अब आप में से अगर कोई ये कंफ्यूज हो रहा है कि अभी इसके पहले तो जब जब बायां बायां आ रहा था तो दोनों को माइनस कर रहे थे, वो मध्य नहीं पूछ रहा था। उस क्वेश्चन में यदि ये बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा, मध्य नहीं पूछा, तो मैं क्या करता, 17 - 7 = 10 से क्या होता है? जे। लेकिन दोनों के मध्य में पूछा है तो मैं क्या करूंगा, 7 + 17 = 24,
24 को मैंने 2 से जैसे ही भाग दे कितना आएगा 12, 12 पे क्या होता है एल, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो कभी भी दोनों अक्षर बाएं छोर से देके रखे हुए हैं या बाएं छोर से ना देते हुए आपको सिर्फ वो अक्षर दे दी जाए तो भी उसके मध्य में निकाला जा सकता है। लेकिन अब मे भी आप ये सोचो कि ऊपर जोड़ने पर विषम आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इतना नोट कर लिया है, इसमें कोई डाउट? पक्का? ठीक, देखो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप सपोज मुझे बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें और बाएं से 22वें अक्षर के, बाएं से पांचवें और बाएं से 22वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षरों का जोड़ा होगा। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखो 5 + 22 कितना होगा 27। इस 27 को यदि मैं 2 से भाग दे देता हूं, 2 से भाग देता हूं कितना आएगा 13.5। 13.5 आपको आधा माइनस करना आधा जोड़ना है, 13 में आधा घटाया कितना होगा 13 और 13.5 में आधा जोड़ा कितना होगा 14। 13 पे क्या होता है एम, 14 पे क्या होता है एन। तो इन दोनों अक्षरों के मध्य में ये वाला अक्षरों का जोड़ा होगा एम एन। मतलब ये होगा कि यदि आपको कोई 2 ऐसे अक्षर दे दे जिनके बीच में अक्षरणी अक्षरों का जोड़ा पूछ रहा है, ऊपर दोनों को जोड़ने पे सपोज करो 31 आ गया, 31 को मैंने 2 से भाग दिया कितना आएगा 15.5। 15.5 का मतलब 15 और 16, 15 पे आएगा ओ, 16 पे आएगा पी, तो ओ और पी उनके मध्य में होंगे, ओ और पी उनके मध्य में होंगे। जैसे कि कौन सा ये पांचवा अक्षर कौन सा होता है असल में ई और 22वां कौन सा होता है वी। मैं चेक कर लेता हूं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से, ये पांचवा अक्षर ई और 22वां अक्षर जो बोल के रखा है वी, इसके बीच में देखो सबसे पहले मैंने ये 1 2 3 4 5 यहां से काटे, ये 1 2 3 4 5 यहां से काटे, 2 यहां से काटे, फिर 2 यहां, देखो एमएन आया गिरा, एमएन बोलो या एनएम बोलो, ऑर्डर में कंफ्यूज नहीं होना कि क्या बोला जाएगा, एमएन बोला जाएगा कि एनएम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, अगर मुझे ये बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और बाएं से, इसको ले लो आप 15वां, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षरों का जोड़ा होगा ये आप बताओ, लिख लो ये क्वेश्चन, ये लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें और बाएं से आठवें और बाएं से 23वें अक्षर के मध्य में, बाएं से आठवें और बाएं से पंद्रहवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षरों का जोड़ा होगा, दिलो पहले दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे के आधा माइनस आधा प्लस। हाँ देखो, फिर वो क्वेश्चन को उस तरीके से बनाएगा, वो ये बोलेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर इन दोनों के मध्य में होगा। अब उसमें जैसे देखो क्या आ रहा है, ये 8 + 15 क्या हो गया, 8 + 15 हो गया 23, भाग दिया 11.5, 11.12 मतलब केल, उसमें से कोई एक होगा तो ठीक। ये जब होगा जब वो एक ही अक्षर पूछ रहा है, लेकिन पूरा जोड़ा पूछेगा तो वो जोड़ा जोड़ा ही देगा केएल एलएम जेके ऐसे। लेकिन वो बोले कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर इनके मध्य में होगा, तो वो जो 2 होंगे उसमें से एक ऑप्शन में होगा, और अगर दोनों ऑप्शन में हो और फिर एक और ऑप्शन देगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता या निकाला नहीं जा सकता, आंकड़े अधूरे, तो फिर इस स्थिति में उसको टिक करना। ठीक है, ये हुआ 23, इसको मैंने 2 से भाग दिया कितना आएगा 11.5, 11.5 में आधा माइनस किया 11, आधा जोड़ा 12, 11 पे क्या होता है के, 12 पे क्या होता है एल, ये हो गया आंसर, के एल या एल के की बात है। ठीक है, अब देखो जितने टाइप हो गए इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, इसके 2-3 टाइप और बचे हुए, जैसे ये मैंने बाया बाया बोला है, बाया दाया हो सकता है, दाए दाए के बीच में भी हो सकता है, तो ये कल करेंगे, लेकिन ये जब करेंगे जब पहले आप इस जितने टाइप हुए इसको पढ़कर आओगे, किसी टाइप में अगर कहीं दिक्कत है तो पहले वो बोलना, उसके 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।